स्वागत है जी बिजनेस में, हूँ साथी रायना। विजयादशमी के मौके पर लक्ष्मण नगरी लखनऊ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि आतंकवाद को पनाह देने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। इस मौके पर पीएम ने कहा, हमें अपनी अंदर की 10 बुराइयों को खत्म करने का संकल्प लेना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ विश्व की मानवतावादी ताकतों को एकजुट होना होगा। आतंकवाद के खात्मे के लिए आतंकवाद के पनाहगाहों को नष्ट करना होगा। मोदी ने कहा, आतंकवाद की वजह से निर्दोष लोगों की जान जा रही है। आतंकवादी मानवतावादी चीजों को नष्ट करने में जुटे हुए हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की सख्त जरूरत है। और कोई माने कि हम तो आतंकवाद से बचे हुए हैं तो गलतफहमी में न रहे। आतंकवाद को कोई सीमा नहीं है, आतंकवाद को कोई मर्यादा नहीं है। वो कहीं पर जाकर के किसी भी मानवतावादी चीजों को नष्ट करने पर तुला हुआ है। और इसलिए विश्व की मानवतावादी शक्तियों का आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना अनिवार्य हो गया है। जो आतंकवाद करते हैं उनको जड़ से खत्म करने की जरूरत पैदा हुई है। जो आतंकवाद को पनाह देते हैं, जो आतंकवाद को मदद करते हैं, अब तो उनको भी बख्शा नहीं जा सकता। समय के बंधनों से, परिस्थिति की आवश्यकताओं से युद्ध कभी कभी अनिवार्य हो जाते हैं, लेकिन ये धरती का मार्ग युद्ध का नहीं, ये धरती का मार्ग बुद्ध का है। और ये देश सुदर्शन चक्रधारी मोहन को युग पुरुष मानता है, जिसने युद्ध के मैदान में गीता कही थी। यही देश चरखाधारी मोहन, जिसने अहिंसा का संदेश दिया, उसको भी युग पुरुष मानता है। यही इस देश की विशेषता है कि दोनों तराजू पर हम संतुलन लेकर के चलने वाले लोग हैं। और इसलिए हम युद्ध से बुद्ध की यात्रा वाले लोग हैं। तो लखनऊ से साफ तौर पर आतंकवाद रूपी रावण को खत्म करने की बात कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कमर आगा जी हैं। कमर जी, बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर आपका। और जिस तरीके से आज पीएम मोदी ने एक तो आतंकवाद और दूसरा कई लहजे में पाकिस्तान को भी ललकारा है, आप इस पूरे भाषण को और खासतौर पर टेररिज्म पर उनके इस जो लेख है उसको कैसे लेते हैं? देखिए, दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा कभी कभी युद्ध अनिवार्य हो जाता है। उसका तात्पर्य यह है कि सेल्फ डिफेंस में लड़ाई, यानी अगर आप प्रॉक्सी वॉर लगातार कर रहे हैं और उसके जरिए वहाँ पे हैवी इकोनॉमिक लॉसेस, या उसके जरिए आप वहाँ की गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, मुल्क की अमन शांति को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तो उस मुल्क को हक है लड़ाई लड़ने का और रिजीम चेंज कराने का, अपने पड़ोसी का या जो भी मुल्क उसके ऊपर इस तरह के आक्रमण कर रहे हैं। मेरी समझ में आता है कि उसी संदर्भ में उन्हीं ने इस बात को कहा। उसी तब ये भी कहा कि वो बुद्ध के मानने वाले हैं, बुद्ध युद्ध से बुद्ध तक की वो जो उन्हीं ने जर्नी बताई कि भारत ने कभी कोई युद्ध इम्पोज नहीं किया किसी के ऊपर, सेल्फ डिफेंस में लड़ा है और हम लोग तो अमन और शांति चाहते हैं। और एक तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक को उन्होंने इशारा इस तरफ ये सर्जिकल स्ट्राइक पर, क्योंकि उस पर कई दलों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई और सरकार को घेरा जा रहा है लगातार। हाँ स्वाति, असल में सर्जिकल स्ट्राइक को भी उन्हीं ने सेल्फ डिफेंस में लिया था। वो थी वॉर ऑन टेरर। ये युद्ध तो चल ही रहा है आतंकवाद के खिलाफ, ये युद्ध तो आज से नहीं 30 साल से चल रहा है। लेकिन अभी तक जो इस युद्ध में था, अंतर इतना है कि मोदी जी ने ये कहा कि अब भारत के बाहर भी अगर कोई आतंकवादी है, हमारी सीमाओं के बाहर या हमारी सीमाओं के अंदर जो जिसके ऊपर दूसरे मुल्क का कब्जा है, जैसे ऑक्युपाइड टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है, तो उसके अंदर भी भारत को राइट है कि वो जा सकता है, वहां जाके सर्जिकल
स्ट्राइक कर सकता है। हाँ, इसमें सही बात है, आपने कहा कि बहुत से अपोजिशन दल है इस बात को उन्होंने उस तरफ कुछ सवाल उठाए हैं और गवर्नमेंट को घेरने की कोशिश की गई। जी जी जी, बहुत शुक्रिया खमर आगा जी हमसे इस पूरे खबर पर अपने व्यूज शेयर करने के लिए। वैसे पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ तो पहली लड़ाई जटायु ने लड़ी थी, एक नारी की रक्षा के लिए जटायु रावण से भी लड़ने के लिए तैयार हो गया था। यदि देश के 125 करोड़ लोग आतंकवाद के खिलाफ हर छोटी गतिविधि पर नजर रखें तो इससे आसानी से लड़ा जा सकता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और आपको बताएं कि मोदी के भाषण पर एसपी और बीएसपी की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, सुनिए। जनता पार्टी का रामचंद्र जी से बहुत पुराना वास्ता है, तो हमेशा कुछ ना कुछ, अभी एक मुद्दा उनके पास अब बचा नहीं है तो अब इसको हवा देने के लिए यहां पर वो आए, तो चलिए अच्छी बात है, उनका स्वागत है। प्रधानमंत्री हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन बस हम यही गुजारिश करेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से कि एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि आतंकवादियों को बढ़ावा नहीं देंगे, जो भी आतंकवादी को बढ़ावा देगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। ये अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, जिनका देश सम्मान करता, उन्होंने जो नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा था कि उन्होंने अपने राजधर्म का पालन नहीं किया गुजरात के अंदर, वो उसी तरह से अपने धर्म का पालन आज फिर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने वायदे उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता को दिए थे कि हम किसानों की भलाई करेंगे, उनको उनके पैदावार का उचित मूल्य देंगे, उन्होंने ये भी वादा किया था कि 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे, उन्होंने कहा था कि हम 15 लाख रुपया हर नागरिक के खाते में काले धन का लाएंगे। मोदी के भाषण पर कांग्रेस और बीजेपी की प्रतिक्रियाएं भी अब आपको सुनाते हैं। पुरानी बातें हैं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, आतंकवाद में एकजुट, आतंकवाद में तो देश एकजुट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आतंकवाद से कैसे निपटना, क्या निपटना, उसमें अलग अलग लोगों की रणनीतियां होती हैं और लोग अपना बनाते रहते हैं, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ तो मुझे नहीं लगता है इस देश में कोई भी व्यक्ति है जो एक मत नहीं रखता है कि इसको जड़ से बाहर उखाड़ फेंकना, और न केवल देश के अंदर का आतंक, पूरी दुनिया में जहां जहां भी आतंक है, क्योंकि अब तो दुनिया ऐसी हो गई है कि कहीं भी आतंक हो उसका हम पर भी असर पड़ता है, तो इस पर तो सब एकजुट हैं, इसमें कोई वही तो पुरानी चिरपरिचित सब बातें कही हैं। और अगर ये प्रधानमंत्री ने कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, तो ये सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताएं, अपने लोगों को ये सीख दें कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। उन्होंने हर पहलू को छुआ है, और जिस तरह देश में आतंकवाद का जिस तरह का खतरा है पूरी दुनिया को, उसकी तरफ भी इशारा किया है। प्रधानमंत्री जी का बेहतरीन भाषण हुआ है, प्रधानमंत्री लखनऊ गए विजयादशमी के अवसर पर, दशहरा वहां मनाया, और जो देश को संदेश दिया है, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा संदेश है। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी देशभर में उत्साह के साथ मनाया गया। पीएम मोदी जहां लखनऊ में मौजूद रहे, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयदशमी के मौके पर देशवासियों को बधाई भी दी। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इस मौके पर देश के लोगों को बधाई दी। प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर हामिद अंसारी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दशहरा पर्व पर लाल किले में आयोजित रामलीला में हिस्सा लिया और भगवान राम की आरती उतारी। वहीं लाल किला पर आयोजित रामलीला में राहुल गांधी रावण दहन के मौके पर मौजूद रहे। एक और तस्वीर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विजयदशमी के मौके पर दिल्ली में तीर चलाकर रावण वध किया, जबकि पटना में रावण दहन के दौरान नीतीश कुमार मौजूद थे। रावण दहन की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश भर में विजयदशमी का त्यौहार मनाया गया, दिल्ली से लेकर लखनऊ, वाराणसी, पटना, हर जगह पर हर्षोल्लास के साथ विजयदशमी का त्यौहार मनाया गया। और खास तौर पर हाईलाइट जो आज जगह रही वो थी लखनऊ, जहां पर खुद प्रधानमंत्री मौजूद थे अजबाग मैदान में।
पटना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सबसे पहले तस्वीरें आए रावण दहन की। उसके अलावा रामलीला मंचन भी किया गया, अलग अलग जो हस्तियां थी वो यहां पर इस मौके पर पहुंची। चंडीगढ़ की तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर रावण दहन किया गया, ये देखिए। देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। नोएडा की तस्वीर इस वक्त देखिए आप, जहां पर रावण दहन किया गया और काफी संख्या में लोग यहां पर भी मौजूद थे। अलग अलग कार्यक्रमों में पीएम मोदी जहां लखनऊ में मौजूद थे, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने भी विजयदशमी के मौके पर देशवासियों को बधाई दी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी इस मौके पर देश के लोगों को बधाई देने के लिए पहुंचे। ये देखिए, कानपुर में आतंक का रावण जलाया गया और एक गुस्सा पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ जरूर देखा गया, वहां पर इसके प्रतीक रावण को जलाया गया। आतंकियों के पनाहगाह और आतंकियों को रावण के रूप में दिखाकर उनका दहन किया गया। और इस बार तो कई पंडालों में भी जब दुर्गाष्टमी पे और साथ ही विजयदशमी पर भी आतंकवाद और आतंक का खात्मा बहुत ही ज्यादा खास थीम रही। कोटा राजस्थान की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर एक अलग ही तरीके से विजयदशमी का पर्व मनाया गया। विजयदशमी के अलग अलग रंग देश के अलग अलग शहरों से हम आपको दिखा रहे हैं। हर जगह कोई ना कोई परंपरा जो सालों से चली आ रही है वो विजयदशमी के इस पर्व पर मनाई जाती है।